गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छी हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइलुरोनिक एसिड सीरम के बारे में। हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज्यादा फेमस है इस टाइम मार्केट में। वी हैव हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम, मॉइस्चराइजर, टोनर्स एंड व्हाट नॉट। सो आई थॉट लेट जस्ट मेक अ वीडियो जहां पे हम बात करें हाइलुरोनिक एसिड क्या है, किस तरह से यूज करना चाहिए, इसे यूज करने के क्या फायदे हैं या क्या फायदे नहीं है। सो वी गोना कवर दिस फोर थिंग्स इन दिस वीडियो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं हाइलुरोनिक एसिड क्या है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर वन, व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड? हाइलुरोनिक एसिड इज अ ह्यूमेक्टेंट। अब ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं तो मैं आपको सिंपल तरह से बताती हूँ कि ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वो एनवायरमेंट में से वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर को अब्सॉर्व करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली भी हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है ये हमारी स्किन में से कम होने लगता है। क्या करता है हाइलुरोनिक एसिड? हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगती है। कई बार होता है ना, आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, अच्छे से सब कुछ लगा रहे हो, स्टिल आपकी स्किन पे वो ग्लो नहीं है, बेजान सी लगती है, थकी थकी सी लगती है आपकी स्किन। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्किन में हाइड्रेशन की कमी है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपके आसपास के एनवायरमेंट से वाटर को अब्सॉर्ब करता है, अट्रैक्ट करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है आपकी स्किन में, जिससे आपकी स्किन प्लम्प लगती है, हाइड्रेटेड लगती है। और हाइलुरोनिक एसिड आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी स्मूथ करता है। लाइक अगर आपको भी स्टार्ट हुआ है उसमें ही आपको हेल्प कर सकता है, स्मूथ कर सकता है। हाउएवर ये टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अपने फाइन लाइंस और रिंकल्स से छुटकारा पाना चाहते हो, लाइक अगर उन्हें डिले करना चाहते हो, आने तो है ही लेकिन डिले कर सकते हैं, डिले करना चाहते हो तो आप वाइटामिन सी, नियासिनमाइड या फिर पेप्टाइड यूज कर सकते हो। लेट मी नो अगर आप जानना चाहते हो ये किस तरह क्या है और किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो मैं इनके लिए भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बट हाँ, आज इस वीडियो में हम हाइलुरोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, प्लम्प रखता है आपकी स्किन को, आपके फाइन लाइंस और आपके रिंकल्स को स्मूथ करने में आपकी हेल्प करता है। आप किस तरह से और किस परसेंटेज तक आप लगा सकते हो हाइलुरोनिक एसिड सीरम? सो हाइलुरोनिक एसिड सीरम आप मैक्स टू मैक्स 2% तक जा सकते हो, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड वाटर को अब्सॉर्ब करता है। जितना हाई परसेंटेज आप लगाओगे ना, उतना ज्यादा ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा, एनवायरमेंट से नहीं तो आपकी स्किन से करेगा। तो आपकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो सकती है। अब किस तरह से लगाना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड सीरम? लगाना चाहिए या फिर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए? सी, हर स्किन केयर प्रोडक्ट का एक अपना मॉलिक्यूलर साइज होता है। जितना स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना वो आपकी स्किन में डीपली अटक जाएगा और उतना आपको बेनिफिट देगा। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर सीरम्स, ठीक है? आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाएगा। लेकिन आप ज्यादा नहीं करना चाहते हो इधर उधर, तो आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। लाइक न्यूट्रोजिना का हाइड्रोबूस्ट मॉइस्चराइजर है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और पॉन्स का भी एक मॉइस्चराइजर है, विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड, आप वो लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो फॉर सीरम, ताकि आप आपकी स्किन में डीप लेयर तक जा सके और आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाए उसके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा रहे हो तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। अगर आप एक ड्राई एरिया में बैठे हो, लाइक आप एसी में बैठे हो, ठंडी जगह पे बैठे हो, यू कांट स्किप योर मॉइस्चराइजर। क्योंकि होता क्या है, ये एनवायरनमेंट से वाटर को अब्सॉर्ब करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर आप ड्राई एरिया में हो, उसे वाटर नहीं मिलेगा तो ये आपकी स्किन में से अब्सॉर्ब करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई बना सकता है। तो अगर आप ड्राई एरिया में हो या फिर नॉन ड्राई एरिया में हो, किसी भी तरह से किसी भी जगह पे बैठे हो या सो रहे हो, कुछ भी है, तो आपको आपका मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम के साथ अपना मॉइस्चराइजर स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज ये आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई बना देगा। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव भी नहीं बनाता लाइक एनी अदर एसिड्स। विटामिन सी या फिर रेटिनॉइल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बना देते हैं। आप बाहर जा रहे हो तब तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन घर में रहकर भी आप अपना सनस्क्रीन स्किप नहीं कर सकते हो। आप कौन सा हाइलुरोनिक एसिड सीरम या फिर मॉइस्चराइजर यूज करें? मॉइस्चराइजर के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल लगा सकते हो, उसका स्मॉल जार भी आता है 370 का, या फिर आप पॉन्स का हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। और अगर मैं सीरम की बात करूं, आप डॉट एंड की का हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर सकते हो। वो 900 रुपीज का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, और मैं समझती हूँ अगर आपकी स्किन पे काम नहीं करा या फिर आपको कोई उसका इफेक्ट नहीं दिखा तो आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो आप एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, वो है ये है फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल। दिस इज लॉरियल रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। मैं 1 वीक से इसे यूज कर रही हूँ और मुझे काफी ही अच्छा लगा ये सीरम। तो आप ये सीरम यूज कर सकते हो। ये आई थिंक 400
समथिंग कुछ का है, प्राइस में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगी, तो आप वहां पे चेक कर लेना। ये फुल साइज नहीं है, स्मॉल साइज बॉटल है, तो अच्छा है आप स्मॉल साइज से शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बड़ी बॉटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये भी आपका चल जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप इसकी यूज करनी है, उससे ज्यादा आपको इसका नहीं यूज करना है। अब किस तरह से यूज करना है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ओके, हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपको जब आप अपना फेस वॉश करते हो, अगर आप टोनर यूज करते हो तो आप अपने फेस वॉश करने के बाद टोनर यूज करो, और जब आपकी स्किन हल्की हल्की सी डैम्प होती है, स्किन पे वो नमी होती है, फिर थोड़ा थोड़ा टोनर या फिर पानी आपके फेस पे होता है, तब आप इसका 2 से 3 ड्रॉप ले लो अपने हाथ पे, स्प्रेड करके डैप डैप करके अपनी स्किन पे अच्छे से लगा लो। इसके बाद आपको हल्की सी शायद टैकी फीलिंग होगा, हल्का सा लगेगा आपको, थोड़ा हैवी या फिर स्टिकी आपके फेस पे लगेगा, उसको आप, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको आपका मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा अच्छे से, और आपको बिल्कुल भी स्टिकी या फिर बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होगा। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या यूज करना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड सीरम, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक टीनेजर हैं या फिर आप अपने अर्ली 20s में हैं और आपको कोई स्किन इश्यू नहीं है, तब आपको हाइलुरोनिक एसिड सीरम या फिर कोई भी अदर एसिड यूज करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको कोई स्किन इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मिड 20s में पहुंच चुके हो, तब आपको शुरू कर देना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड सीरम, क्योंकि यहाँ ये वो स्टेज है जब आपकी स्किन में से धीरे धीरे चीजें कम होने लगती हैं खुद से बनना। तो टॉपिकल एप्लीकेशन अगर आपकी हेल्प कर रही है तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को स्मूथ करता है, लेकिन एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको डीप मतलब है बहुत ही ज्यादा रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस हो गए हैं, तो आपको ज्यादा अब इन्वेस्ट करना चाहिए पेप्टाइड्स में, नियासिनमाइड्स में, या फिर वाइटामिन सी में, रेटिनॉइड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी स्किन को प्लम्प और हाइड्रेटेड रखेगा, जो जरूरी है बहुत। फॉर मी स्किन केयर इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनी। आई डोंट बिलीव इन क्विक फिक्स, आई बिलीव इन टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। ओके, सो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर हाइलुरोनिक एसिड सीरम, बहुत ही प्यारा सा एसिड है। इसे लगाने के अपने ही फायदे हैं, या जो फायदे नहीं है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।